आपण देखुचंती आमर ओडिसा संपूर्ण खबर को आसिबा उत्तराखंड विधानसभा रे पारित होची यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल एबे एही बिल राज्यपालंक अनुमोदन पई पठाचिबो अनुमोदन मिलबा परे यूसीसी लागू करिबारे उत्तराखंड हेबो स्वाधीन भारतर प्रथम राज्य एही आईन आसिले उत्तराखंड रे एकाधिक पत्नी ग्रहण एवं बाल्य विवाह संपूर्ण निषेध हेबो सबु वर्ग सबु संप्रदाय एवं सबु समाज रो पुरुष महिला विवाह योग्य वयस रे बाहा हेबे विचित क्षेत्र रे मध्य समस्तक पई गोटी आईन रहिबो समस्त विवाह रो पंजीकरण बाध्यतामूलक नचेत संपृक्त दंपती को मिलिबनि कोनोसी प्रकार सरकारी सुविधा सुजोग विवाह विच्छेद जमी अधिग्रहण संपत्ति उपरे मालिकाना एपरिकी पोष्य संतान ग्रहण एवं उत्तराधिकार पई मध्य काम देव एही आईन सबुठ बड़ कथा हेउछि कि लिव इन रिलेशन रे रहिबाको हेले पंजीकरण कराइबाको पड़िबो नचेत अति कम रे 3 मास जेल होई परे बिल ले थिबा द्वितीय प्रमुख प्रसंग हेउछि मुस्लिम महिला को नै वर्तमान इस्लामिक नियम अनुजाई जदि कोनोसी मुस्लिम महिला तांको स्वामी थारु विच्छेद हुवंती किंबा तांको स्वामी मृत्यु होई जाए तेबे पुनर्विवाह पई समानक अति कम रे 3 मास अपेक्षा करबाको पड़िथाए 3 मास मध्ये रे जदि स्पष्ट हुए जे संपृक्त महिला गर्भवती नाहंती तेबे से पुनर्विवाह करि परिबे किंतु उत्तराखंड सरकार आणुथुबा बिल ले मुस्लिम कर एही नियम निषिद्ध हेबो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू पई गत विधानसभा निर्वाचन बडे प्रतिश्रुति देथिला बीजेपी आ क्षमता को आसीबा परे सुप्रीम कोर्ट रो अवसरप्राप्त विचारपति जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई को अध्यक्षता रे प्यानेल गठन होइथिला गत सप्ताह रे प्यानेल तांकर 749 पृष्ठा रो ड्राफ्ट देथिले कैबिनेट मंजूरी परे मंगलवार एहा को विधानसभा रे उपस्थापन करथिले निजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी लगातार जिसकी मांग उठती रही थी जो वर्षों वर्षों का इंतजार था वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है।